कोशिश करेंगे कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन से आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास चंद चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो आपको स्केच होना चाहिए जहन में कि आप लोग किस तरह का बनाना चाहते हैं, किस चीज़ का बनाना चाहते हैं। उस कंपनी वगैरह के मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसका नाम, उसकी कोई पिक्चर्स हो, और उसके अलावा में होना चाहिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन में आपके एक सॉफ्टवेयर जिससे आप एडिटिंग कर सकते हैं। उसके पास आपके पास होना चाहिए सपोर्टिंग हेल्पिंग मटेरियल, मसलन बैकग्राउंड्स वगैरह के लिए जो कलर यूज़ करने हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड पिक्चर्स, फॉन्ट जो आप उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं वो, और मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए चलते हैं, मेरे पास चंद बैकग्राउंड्स पड़े रखे हुए हैं मैंने, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, समझा सकूँ। और हमने एंड्रॉयड मोबाइल में अपने इंस्टॉल कर लेनी है पिक्सल लैब मैंने पहले से इंस्टॉल कर ली है। आप एंड्रॉयड से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए करते हैं ओपन पिक्सल को, करते हैं स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करके ओपन करते हैं इसके मेन जो मेजर कुछ प्रोग्राम आ जाते हैं, जिसमें ये प्लस में ऑब्जेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, ये शेयरिंग का ऑप्शन, ये लेयर का ऑप्शन, और इसका ये दूसरा जूम का ऑप्शन, ये मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन होते हैं। ये पहले से इसके मौजूद कोई चंद टेम्पलेट होते हैं जो इसमें पहले से इन्होंने दिए होते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई बना कर रखी है सेव है तो इसमें आएगा। नीचे ये मुख्तलिफ फंक्शन है इसके। चलिए हम करते हैं स्टार्ट, और न्यू टेक्स्ट टैग पे इधर डबल क्लिक करने से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक नहीं करना तो वैसे भी हम इंस्टॉल करते हैं, इसको कर देंगे इधर से डिलीट, और यहाँ से प्लस पे आप क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट की ओर, वो यहाँ तमाम नीचे स्टूडेंट्स आ जाइए जो 184 या नीचे वाले एफिलिएटेड ऑप्शन में और कॉलेजेस, ऑप्शन जो में जिसे क्लिक कर देते यूनिवर्सिटी हैं, से यहाँ लाहक नीचे शुदा आइए थे, वेबसाइट पे, या एफिलिएशन फिर थी वो जिनकी, वेबसाइट पर उनके जाकर पास के वो आप स्टूडेंट अपना पढ़ रहे एप्लीकेशन थे, डाउनलोड चाहे एनुअल किया है। सिस्टम में तो थे या यहाँ सेमेस्टर पे सिस्टम आप थे, डबल क्लिक करेंगे तो उनके आपको अपना पेपर्स वगैरह होने यहाँ थे, पे और अपना ये एक कोरोना वायरस की कोर्स वबा, इंस्टॉल उनकी करना है क्लासेस जो आप वगैरह ऑनलाइन मुलतवी कर हो रहे गई, हो अपने कॉलेज में, ताहाल उनके तो पेपर्स यहाँ पे वगैरह ना आपको हो अपना सके, वो एप्लीकेशन पढ़ाई का डाउनलोड बच्चों किया का है। हर्ज तो हो रहा था, आपको कितनी जो बार कि ऐड करना है एक ताकि हम किसी डिज़ाइन में इसको कर सकें। ऐड मैंने पहले में लिख दिया प्रिंस, और सेकंड पे लिखूंगा ये टोपा, और इसको मैं कर लूँगा उठा के इधर साइड पे यहाँ पे, और इसके बाद एक और ऐड करूँगा और वो करूँगा यहाँ पे, इसको डबल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे टेक सिंह, टेक सिंह, बेसिकली टोबा टेक सिंह जो है ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ पे करंटली मैं रह रहा हूँ। तो मनफर नाम के लिए मैंने ये प्रिंस रखा हुआ है नामजद में। अब इस पर क्लिक करके नीचे वाले ये ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और हम इसके लिए ये कोई प्यारा सा फॉन्ट सर्च करेंगे यहाँ पे, ए बी फॉन्ट से, या मुख्तलि फॉन्ट इसके बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसमें आप खुद भी कर सकते हैं अगर कोई इंस्टॉल करना चाहें तो। यहाँ से आप मुख्तलि फॉन्ट देखें और अपनी पसंद का फॉन्ट जो भी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप के ऊपर कि आपको कैसी डिज़ाइनिंग चाहिए, या आपके कस्टमर पे उसको कैसा पसंद है। आप उसको साथ बैठा के भी कर सकते हैं, एक कस्टमर को साथ बैठा लें और साथ आप अपना काम करते जाएं, और उसको साथ साथ उसका दिखाते जाएं कि ये वो देखता जाएगा जो उसको फ़ोन वगैरह पसंद होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कस्टमर आपके पास नहीं है, आप खुद ही अकेले ही काम कर रहे हैं, तो उसकी मुनासिबत से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये जनरल सा कर रहा हूँ इस्तेमाल, ये वाला ये है मिनी फॉन्ट, इसको कर दिया मैंने ओके। और अब इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे अगर आप जाएँ तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस इसमें मौजूद हैं। हमें चाहिए इसका साइज, साइज वाला इधर होगा ये वाला, यहाँ से हम इसको ये प्लस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ऊपर से उठा के हमने कर लिया नेक्स्ट, इसको किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं, ओके कर दिया। इसके बाद ये वाला, इसी को उसी तरह का हम फोन लगाएंगे, यहाँ पे था वो फोन ये वाला सेम फोन हमने कर दिया, और इसका भी हम करेंगे साइज बड़ा ये यहाँ पे, और इसको उठा के रख लिया
यहाँ पे। और ये वाला है, इसका भी सेम ही प्रोसीजर दोहराएंगे हम। आपने अपनी पसंद का फ़ोन ले सकते हैं, मुख्तलिफ फ़ोन ले सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको कॉर्नर से पकड़ के भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये दायरे से, ये इधर से करेंगे तो किसी हद तक ये बेहतर होगा। अब ये हो गए हमारे तीन फोन, नाम लिखे टोबा टेचिंग। अब आ जाती है बारी इनको करने की, कलर्स। यहाँ पे हमने कर लिया ये वाला कलर, इसको इसको कर दिया ओके। अब इसको हम डिज़ाइन करने की बारी आती है कि हम इसको कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं। मुख्तलिफ कलर में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा इसको बनाना है, क्या करना चाहते हैं इसके साथ। ये लाल कलर वही मैंने लगा लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रोक लगा दूँ, इधर से स्ट्रोक लगा दें, इनेबल कर दें, और कलर जो आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। मैं ब्लैक ही दूँगा, ये यहाँ पे इतना सा दे दिया। ये हो गया हमारा ओके। अब हम जाएंगे यहाँ पे दूसरे वाले पे, इसको करेंगे हम बिल्कुल इसी तरह से सेम। इसको कोई कलर स्ट्रोक लगाएंगे पहले, इनेबल करके ये वाला स्ट्रोक, इसका ये वाला, और इसका कर देंगे ओके। और इसका कलर कोई भी आप फिल कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल वो नहीं कर रहा यहाँ पे। और फिर जाएंगे यहाँ पे टेक वाले पे, इसको भी लगा देंगे थोड़ा सा स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर यहाँ पे भी ब्लैक ही देते रहेगा, आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। अब ये तीनों हमने ले लिए मुख्तलिफ कलर्स में। अब बारी आती है इनको डिज़ाइन करने की। पहले वाला पे क्लिक किया इस पर, और मैं इसको करना चाहता हूँ थोड़ा 3D इफ़ेक्ट में, और यहाँ से मैं 3D कर लेता हूँ इनेबल। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूँ साइड को जितना चाहूँ। ये यहाँ पे इसको मुख्तलिफ ये फंक्शन है रोटेशन के, ये यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मुख्य कलरों से रोटेट कर सकते हैं इसी तरह। और यहाँ पे ये लाइट की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लाइट किस डायरेक्शन में देना चाहते हैं, ये इसकी ऑप्शन होती है इसकी। और ये शेडो की ऑप्शन होती है, और ये वाले सर्कुलेशन की ऑप्शन है इसकी। अब इसको कर लिया एडजस्ट। अब 3D रोटेशन के बाद हमें इसका हल्का सा शेडो देना है, ऑन कर लिया शेडो, रेडो दे दिया हमने इस कलर का। उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि पता चले कि शेडो भी मौजूद है। और यहाँ पे इसको कर दिया ऐसे, आप अपनी पसंद का कर सकते हैं। अब आ रही आती है इसके अंदर, इसको फिल करने के लिए इसको कर लेते हैं हम। ये कलर अच्छा लग रहा है या इसको चेंज कर दो, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का ले सकते हैं। आपने यहाँ पे कोई पिक्चर रखी है वो देखने, मैंने यहाँ पे चंद एक डाउनलोड की हुई थी, ये और सिलेक्ट कर ली मैंने ऊपर। ये देखें आप इतना हो गया, ये इसके तरह ये नीचे वाला है जो, उसको भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कहीं भी आपने जैसा आपको पसंद हो वो दे लें। मैं इसको मुख्तलिफ कलर में आपको करके दिखा रहा हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। डिज़ाइनिंग में कोई ज़रूरी नहीं यही वाला आपने करना है जो मैं कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। ठीक हो गया, ये देखें। और यहाँ से इसका ये वाला नीचे से इनेबल कर देंगे तो इसको आप लाइटिंग इफेक्ट वगैरह भी स्केच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर जाएंगे और इसकी भी ये लाइटिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको कर देंगे ओके मुख्तलिफ। और ये वाले हमारे तीन हो गए, नाम लिखा गया तैयार, हम इनको कर लेते हैं कंबाइन। यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाके आप करेंगे यहाँ पे पिन वाले पे, और तीनों को कर देंगे टिक, और यहाँ से कर देंगे इसको मर्ज। ये हो गया मर्ज, ये हमारी तैयार होगी एक।
नाम वाली, और इसको कर देंगे हम नीचे ए ई यहाँ पे, और इसके बाद हम करेंगे इसमें एक पिक्चर ऐड, और फिर थोड़ा सा लगा के यहाँ पे इस ऑप्शन से जाएंगे, आप क्लिक करेंगे इमेज गैलरी आ जाएगी, और गैलरी में से आप सिलेक्ट यहाँ से गैलरी खोल लेंगे, और ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं हम, पिक्चर इतनी सी बहुत है काफ़ी, इसको कर लेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद इसकी अगली ऑप्शन होती है, इसको करेंगे हम वर्किंग थोड़ी सी करेंगे, इस पर हम इसको पहले कर लेते हैं कलर, इसका कर लेते हैं चेंज, ये वाला बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं हम जैसा करना चाहें, और उसके बाद हम करेंगे ये वाली जो हमने लेयर ऐड की है इस पर वर्किंग करेंगे, इसका कलर में कलर चेंज, यहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने ये रेड किया है, आप इसको जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं, इसको कर लिया हमने यहाँ पे, और इसको कर लेंगे यहाँ से हम नीचे, यहाँ के इस नाम के नीचे आना चाहिए ये, और उसके बाद हम इसके अंदर भी करते हैं कुछ चेंजिंग, यहाँ पे टेक्सचर में जाके कोई करते हैं पिक्चर सेलेक्ट, और अपने मोबाइल फ़ोन में देखें वो पिक्चर कहाँ पड़ी है, ये वाली आ गई पिक्चर, इसको कर लिया इनेबल, यहाँ पे कर दिया इसको सेलेक्ट, यहाँ पे ये वाली पिक्चर, इसको प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं पहले, ताकि अगर कोई इशू आए तो उसको वक्त अवकात कोई इशू आ जाता है, कोई एरर आ गया तो ऐप बंद हो सकती है, हम पहले उसको सेव कर लेते हैं ताकि हमारा वो काम ज़ाया ना हो, ये वाली ऐड जैसे आ गई है ये इनलीगल, तो फाजल थोड़ा सा ऐड आ गई थी उसमें, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक और थी ऐड, यहाँ पे हम करेंगे ये वाला ऑप्शन, यहाँ से टिक करके हम ये वाला जो रेड कलर है इसके अंदर वाला उसको कर देंगे रिमूव, ओके पे कर देंगे क्लिक, और इसको हम कर लेंगे मर्ज, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये वाला और ये वाला, दोनों को कर दिया हमने मर्ज, ये हो गई मर्ज वाली ऑप्शन, अब ये वाली होगी हमारी एक पिक्चर और फ्रेम साथ में इसके ऐड, अब हम करेंगे इसमें ऐड कुछ ना कुछ और भी, और यहाँ से हम लेंगे कोई और प्यारा सा बैकग्राउंड, यहाँ पे मुख्तलिफ बैकग्राउंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद के, मैंने चांदे को डाउनलोड ये वाला गोल्डन वाला कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ओके, ये देखिए ये कैसा हो गया, ये एक छोटी सी गलती की थी हमने, इसकी वजह से हुआ ये सारा, वो गलती क्या की थी मैं अभी आपको बताता हूँ, हमने इसको मर्ज कर लिया था, जाके हमने तीनों को मर्ज नहीं करना था, हम सिर्फ उस अकेले को करना था, अगर आपसे ये गलती हो जाए तो इसका क्या हल है, आपने यहाँ से बैठ जाना है यहाँ पे, और यहाँ से फिर यहाँ पे, अब ये देखें ये अकेला हो गया, हमने बेसिकली इसी को करना था चेंज, अब यहाँ पे करेंगे ये और दोबारा से करेंगे वही वाली पिक्चर सेलेक्ट जो हमने पहले की थी ये वाली, इसको कर लेंगे ओके, ये वाली इधर आ गई, इसको कर दिया हमने इनेबल, और यहाँ से इसकी रिएक्शन चेंज कर सकते हैं, पहले हमें इसका कलर फिल करना होता है, ये वाला ये कर लिया, इसका मुख्तलिफ कलर्स में कर सकते हैं, और उसके बाद हमने ये वाला टूल यूज़ करना होता है, उसमें से ये वाले कलर को हम कर देते हैं ओके, यहाँ से उसकी रिडक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्मूथ कम कर सकते हैं, ये कर लिया मैंने यहाँ पे इसको, ये थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, इसको कर दिया ओके, ये वाला हो गया, अब हम यहाँ पे
अपनी कोई पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा जाएंगे, इसको यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी पिक्चर दे सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं उसका। यहाँ पे यहाँ थोड़ा छोटा कर लें मजीद, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ये हमारा हो गया आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। इसी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं।